बच्चों ने वन्य प्राणियों को बचाने और उनके संरक्षण का संदेश अपनी पेंटिंग के माध्यम से दिया है। वन्य जीव सप्ताह के तहत भोपाल के वन विहार में पाम पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह का विशेष कार्यक्रम भोपाल वन विहार में चल रहा है। वन विभाग द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वन्य प्राणियों को संरक्षण देने के साथ बच्चों में इनके प्रति जागरूकता पैदा करना। इस दौरान बच्चों ने प्रकृति को समझा और अपने हाथ पाम पेंटिंग बनाकर यह मैसेज दिया है कि वन्य प्राणियों को किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने आज चीता बनाया। मैं पिछले 2 साल से यहाँ आ रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाम पेंटिंग और अदर एक्टिविटीज़ में मैं पार्ट लेती हूँ, और बाकी अदर एक्टिविटीज़ मेरी गोंड आर्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट के मैं उसमें पार्ट लेती हूँ। हर जगह मेरा इनिशिएटिव होता है, मेरे एग्जीबिशंस होते हैं। मैं इस बार मतलब हर साल आती हूँ, अभी मुझे 3 साल हो गए हैं मनाती हूँ। और ये आज हमारे यहाँ पर पाम पेंटिंग कॉम्पिटिशन था जिसमें मैंने टाइगर बनाया है, और टाइगर जो है इंडेंजर एनिमल है, और ये ना लोगों को अट्रैक्ट करता है, जो इसकी स्ट्रिक्स है वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और ये बहुत अच्छा भी लगता है बनाने में और देखने में, लोगों बहुत इससे अट्रैक्ट होते हैं। और मैं हर साल ही आती हूँ। आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग आर्टिस्ट, और मैं भोपाल की लाइव पेंटिंग भी करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, सबीना खान पे। और अभी पिछले हफ्ते मेरी एक वायरल हुई थी पेंटिंग, ताजमहल की बनाई थी, और अभी ये मैंने 1 घंटे के अंदर टाइगर बनाया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे हर बार आती हूँ पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का नेचर बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ की थीम भी मुझे बहुत सही लगती है, इसलिए मैं हर बार यहाँ पे आती हूँ और 1 घंटे के अंदर यहाँ बनाती जाती हूँ पेंटिंग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।